नमस्कार किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे यंत्र के बारे में बात करेंगे कि किन किसानों को मिलेगी 50% सब्सिडी। तो हम आप इस वीडियो में बताएंगे कि इन किसानों को मिलेगा 50% सब्सिडी पर पावर टिलर। तो आज के समय में किसानों को कई नवीन कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं जिनकी खरीदी पर सरकार की तरफ से छूट दी जाती है। खेती के दौरान किसानों को कई कृषि यंत्रों की मदद लेनी पड़ती है जिससे पावर टिलर का नाम भी शामिल है। इस कृषि यंत्र का खेत की जुताई में महत्वपूर्ण स्थान है। कई किसान आर्थिक तंगी की वजह से महंगे कृषि यंत्र नहीं खरीद पाते, इसलिए सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए पावर टिलर कृषि यंत्र की सुविधा उपलब्ध कराई है। यह कृषि यंत्र न कि सिर्फ खेती और जुताई के काम आता है बल्कि फसल में खरपतवार की निदाई का खर्च भी बचाता है। पावर टिलर की खासियत यह है कि एक ऐसी मशीन है जो खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक बहुत काम आती है। इस मशीन द्वारा फसल की निदाई, सिंचाई, मड़ाई और ढुलाई करना बहुत आसान हो जाता है। पावर टिलर कैसा है? जिसकी तरह से देसी हल में एक सीधा पर बुवाई की जाती है, वैसे ही इस मशीन से बुवाई की जाती है। इसमें अन्य कृषि यंत्रों को जोड़कर भी कई तरह के काम लिए जा सकते हैं। यह ट्रैक्टर की तुलना में बहुत हल्का और चैन रहित होता है। इस मशीन को चलाना काफ़ी आसान है। इसको कई कंपनियां बनाकर तैयार करती हैं। इस मशीन को पेट्रोल और डीजल द्वारा संचालित कर सकते हैं। पावर टिलर कई काम करता है। आसान खेत की जुताई से लेकर फसल बुवाई तक में काम आता है। मशीन में पानी का पंप जोड़कर तालाब, पोखर, नदी आदि से भी पानी निकाल सकते हैं। इसमें थ्रेसर, रीपर, कल्टीवेटर, बीज ड्रिल मशीन आदि को भी जोड़ सकते हैं। यह मशीन काफ़ी हल्की मशीन होती है, इसलिए इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। पावर टिलर पर सरकारी द्वारा दो तरह की छूट दी जाती है। 8 हाउस पावर टिलर पर लगभग 40% सब्सिडी मिलती है। अगर अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई किसान पावर टिलर खरीदता है तो उसके लिए लगभग 50% सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। तो कौन से किसानों के लिए? जो अनुसूचित जाति और जनजाति के किसान हैं उनको 50% सब्सिडी मिलती है। वैसे इस मशीन में कुल कीमत 1,00,000 रुपये तक की है। इस मशीन को कोई भी किसान खरीद सकता है, लेकिन सब्सिडी का लाभ लेकर लघु और सीमांत किसानों को दिया जाता है। बता दें कि किसान को पावर टिलर खरीदते समय पूरा पैसा लगाना होगा, इसके बाद ही आप सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे। पावर टिलर के लिए रजिस्ट्रेशन, अगर कोई किसान सब्सिडी पर पावर टिलर खरीदना चाहता है तो उसे अपने ज़िले की कृषि विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो कहाँ करना होगा? कृषि विभाग की वेबसाइट पर, ज़िले की, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद कृषि विभाग के एक प्रार्थना पत्र में लिखना होगा कि इसके बाद कृषि विभाग जल्द ही आपसे संपर्क करेगा। किसान साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपका उपयोगी साबित हुआ तो लाइक करें और शेयर करें। जय किसान, जय जवान, जय हिंद।